हेलो दोस्तों, मैं हूँ काजल। आज की इस वीडियो में बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर टू 2016 के रिज़ल्ट को लेकर। जी हाँ, लोअर टू 2016 का रिज़ल्ट, जो कि पिछले 5 सालों से आपका जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। पिछले 5 साल से स्टूडेंट जो हैं इस लोअर 2016 के रिज़ल्ट का कर रहे हैं वेट, और वो होते जा रहे हैं डीमोटिवेट कि आखिर उनका जो है रिज़ल्ट ये कब आएगा, क्या वो इसमें ही पड़े रहेंगे। यूपी ट्रिपल एससी जो है कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। देखिए, लोअर 2016 की जो है ये 22 फील्ड में आपकी जो है वैकेंसी निकली थी, पोस्ट निकली थी, और उस पोस्ट के नाम भी हैं और उनके आगे लिख भी रहा है किस में जो है कितनी पोस्ट निकली, जैसे अपर डिस्ट्रिक्ट में, फील्ड में, लाइब्रेरियन में, आप देख सकते हैं। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग अपने रिज़ल्ट का जो है वेट कर रहे हैं कि आखिर हमारा जो रिज़ल्ट है ये कब आएगा। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कई जो काम आपका पेंडिंग रुका हुआ था यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा, वो हो गया अब चालू। जी हाँ, सूत्रों से पता चला है कि जैसे ही आपका ये जो है पैट का जो है रिज़ल्ट आता है, पैट के रिज़ल्ट के तुरंत बाद ही आपका जो है लोअर टू 2016 का रिज़ल्ट आएगा। जी हाँ, लेखपाल की भर्ती वालों का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन उससे पहले जो है आपका जो है रिज़ल्ट आएगा लोअर टू 2016 वालों का। तो गाइस, आपका ये लोअर 2016 वालों का जो रिज़ल्ट है गाइस, ये आपका आपको देखने को मिलेगा सितंबर के लास्ट वीक में। जी हाँ, सितंबर के लास्ट वीक में जो है आपका ये रिज़ल्ट आएगा, मींस अक्टूबर लगने से पहले पहले ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।